क्या ओमिक्रॉन ला सकता है कोरोना की तीसरी लहर? कोरोना वायरस के इस न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। डेल्टा के बाद कोरोना की जो न्यू वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा संक्रामक है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। वायरस एक सिंपल सा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। ये हमारे लंग्स से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। हमारी लंग्स में ACE2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि ये स्पाइक प्रोटीन डायरेक्टली इससे कनेक्ट होता है एंड हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। दैट मीन्स वहाँ पे म्यूटेशन भी कॉज करता है। वैसे तो नॉर्मल जो हमारा वायरस होता है वो एज अ नॉन लिविंग नेचर का होता है, बट जैसे ही ये लिविंग बॉडी में एंटर करता है ना, ये एज अ लिविंग नेचर का हो जाता है। इस ओमिक्रॉन में 30 म्यूटेंट हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ये वेरियंट होते हैं ऑफ द वायरस के। जो कि इसमें मोर डोमिनेंट है वो हमारा डेल्टा वेरियंट है जो कि सबसे ज़्यादा डिसीज कॉज करता है एंड ट्रांसमिटेड होता है। बट इससे सुपर तो ओमिक्रॉन वेरिएंट है जो कि 7 गुना अपने आप को तेजी से इसमें फैला रहा है। अब ये वायरस हमारे लिए कितना ज़्यादा डेंजरस होगा ये तो डिपेंड करेगा हमारी वैक्सीन पर कि वैक्सीन हमारे लिए कितना इफेक्टिव होती हैं। अब इसके हम कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं कि ओमिक्रॉन वायरस के जो सिम्टम हैं वो क्या होंगे। हल्का हल्का शरीर में दर्द होगा, सूखी खांसी आती है, गले में खराश होगी और सर दर्द होगा। साउथ अफ्रीका के डॉक्टर ने सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो पीपल्स हैं वो 25 की एज से बिलो हैं। ब्रिटेन में कोरोना के न्यू इलाज को मंजूरी दी गई है। यह ओमिक्रॉन जैसे एक न्यू वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर होगी। इसकी जो एक एजेंसी है MHRA, औषधि एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद नियामक एजेंसी, इन्होंने कहा है कि जो सोट्रोविमेब कोविड के हल्के से मध्यम संक्रमण से पीड़ितों के लिए है। इससे जो गंभीर जो रोग विकसित होते हैं उनसे इसका अधिक खतरा बना रहता है। GSK के VIR बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित सोट्रोविमेब एक बहुत ही हल्की खुराक एक एंटीबॉडी की तरह काम करती है। यह दवा कोरोना वायरस के बाहरी लेयर पर जो स्पाइक प्रोटीन से अटैच्ड हो जाती है, देन वायरस को अंदर इंसर्ट करने से रोकती है।